जय माता दी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों मृत्यु एक अटल सत्य है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है ये बात हम सभी जानते हैं फिर भी मृत्यु का डर हम सब के अंदर बना रहता है मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है लेकिन मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करना चाहता जब इंसान मृत्यु के बारे में बात करता है और उसके बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ जाता है जबकि हर व्यक्ति जानता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है लेकिन ये सब जानते हुए भी इस तथ्य को लोग स्वीकार नहीं करते भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया होता जिन्होंने हमेशा सही और सत्य के मार्ग को ही अपनाया हुआ होता है उनके जीवन का अंत बहुत ही शांत तरीके से होता है वहीं शिव पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो उसे अपने मृत परिजनों के पास होने का एहसास हो जाता है मृत्यु के नज़दीक आने पर व्यक्ति की आवाज़ और आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है तो उसे अपने आसपास बैठे हुए लोग भी नज़र नहीं आते पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो व्यक्ति के उसके कर्म उसके सामने आ जाते हैं जन से लेकर आखिरी पल तक के सारे कर्म उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं जैसे आप किसी फिल्म को रिवाइंड करके देख रहे हो पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसकी मृत्यु बहुत ही कष्टदायी होती है जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है मृत्यु के समय उनके सामने एक दिव्य प्रकाश नज़र आता है और ऐसा व्यक्ति भी मृत्यु के समय बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता इसलिए अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें ईश्वर की सेवा करने का एकमात्र तरीका है इंसान की सेवा करना इंसानियत की सेवा करना समुद्र शास्त्र कहता है कि जब मृत्यु करीब आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट हो जाती हैं और इतनी हल्की हो जाती हैं कि ये ठीक से दिखाई भी नहीं देती दोस्तों ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें धन्यवाद